अगली खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर क्या कहा। कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि कोई यदि कांग्रेस छोड़कर जाता है तो कांग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी, कोई अगर ऐसा करना चाहता है तो हम किसी को रोकेंगे नहीं। जो लोग बीजेपी में अपना भविष्य देखकर जाना चाहते हैं वो जाएं, मैं उन्हें अपनी कार दूंगा कि आप जाइए। मैं किसी की खुशामद में विश्वास नहीं करता। जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं वो पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं। कमलनाथ पीसीसी में शंकर शाह, रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अरुणोदय चौबे के कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने कहा कि उन्हें तो हमने 3-4 महीने पहले ही निष्कासित कर दिया था। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में वो कांग्रेस विरोधी काम कर रहे थे, वो अपने आप को बचाना चाह रहे थे, उनके ऊपर दबाव है, उन्होंने मुझे खुद फोन करके बताया था। अरुणोदय पर कई केस लगे हैं, 307 से लेकर 302 तक के मामले उन पर दर्ज हुए। पहले फर्जी केस लगाओ फिर भाजपा में शामिल करने का प्रेशर बनाओ, यही बीजेपी की राजनीति है, ऐसा कहना है कमलनाथ का। कांग्रेस के नेताओं पर दबाव को लेकर वो बोले, आप प्रेशर पैसे का प्रलोभन दे सकते हैं, जिसे जाना है वो जाएगा ही, तो क्या मैं उसके घर जाऊं उसे रोकूं, दबाव डालूं? मैं किसी को दबाकर नहीं रोकना चाहता, मैं क्या कर सकता हूं। दुख की बात यह है कि आज मध्य प्रदेश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो झूठे केस बनाता है, झूठी गवाही देता है, उस पर कार्रवाई कर सके। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा के परिजनों पर सूदखोरी का आरोप लगाकर युवक की आत्महत्या के मामले पर कमलनाथ ने कहा, हम इस घटना को लेकर आंदोलन करेंगे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अत्याचार पर छूट मिली है। बीजेपी वाले जानते हैं कि बीजेपी के 11-12 महीने बचे हैं तो लूट मचाएं। शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा, आज सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है। भील भिलाला गोंड कोरगू को बांटने में वो लगे हुए हैं ताकि हमेशा एक रहने वाला आदिवासी समाज बढ़ जाए, इनका ये लक्ष्य है। इवेंट के बहाने ये आदिवासियों में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, आदिवासी समाज की उपजातियों के संगठन बनाकर उन्हें पैसे और प्रलोभन देकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रयास है कि कैसे भी करके आदिवासी समाज बढ़ जाए। देश के समाज को हिंदू के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम ये अब शुरू करेंगे, ये इनका गेम प्लान है। कमलनाथ ने कहा, पीएम चीता छोड़ने आए लेकिन कुपोषण बेरोजगारी की बात नहीं की। ये सोचते हैं कि ऐसे इवेंट करके ये जनता का ध्यान असली मुद्दों से मोड़ रहे हैं। श्योपुर जिले में सबसे ज्यादा कुपोषण है, ये आंकड़े बताते हैं। एक महीने बाद चीता छोड़ सकते थे, पहले कुपोषण दूर करने की प्लानिंग करनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई शुरू करते। आज श्योपुर सबसे गरीब जिलों में है। श्योपुर वासियों के भविष्य के लिए सरकार की कोई सोच नहीं है, ये क्या नाटक चल रहा है, कमलनाथ ने कहा। श्योपुर में गिर के शेर आने थे जब मैं सीएम था, 10 साल पहले ये समझौता हो चुका था। मैंने मोदी जी से गिर के शेर भेजने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने शेर भेजने से मना कर दिया था। बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं पर कमलनाथ बोले, 3 दिन में 3 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस कानून की अव्यवस्था से ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। अपराधी जानते हैं कि पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, उधर पुलिस अपराधों के मामले दबा देती है। आदिवासी विधायक के साथ हुए व्यवहार का संदेश आदिवासियों में गया है। किस तरीके से कपड़े फाड़ गला पकड़ा गया, इनको इस प्रकार के नाटक करने पड़ते हैं। जैसे ठेकेदार से कहा जाता है कि तंबू लगाकर 5,000 कुर्सियां लगवा दो, कलेक्टर से कह दो 5,000 लोगों को बुलवा लो, मैंने ही जेपी अग्रवाल को राय दी है, आप जिले जिले में जाकर सबकी बात सुनो। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें, कार्यकर्ता जो घर बैठे हैं उन्हें बाहर निकालना है, नए लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। अभी पीसीसी के सदस्यों में कई नए चेहरे को मौका मिला है। कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म होगी? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करे। अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़ ली, हाँ इस समय वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी, उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था, वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने
कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता उन्होंने खुद मुझे बात करी फोन पर,